बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब देखने वालों को दिल की गहराई से बहुत बहुत ईद मुबारक। और हम आज बनाने जा रहे हैं फ्रोज़न चिकन टिक्का ग्रेवी। इसलिए हम बना रहे हैं कि हमें आसानी होती है, हमारे फ्रिज में हम चिकन टिक्का तैयार कर कर रख लेते हैं ईद की आसानी के लिए कि हमने रखा हुआ है तो हमें बनाने में आसानी होगी। तो सबके जिन जिन के घर में और चिकन टिक्का रखा हुआ है, आप लें और फ्राई करें और बना लें चिकन टिक्का ग्रेवी आसानी के लिए। ओके, हमने पहले क्या करना है, मैंने लिया एक पाव चिकन टिक्का फ्रोज़न और मैंने लिया एक चम्मच सालन मसाला पाउडर। सालन मसाला पाउडर की रेसिपी मेरे चैनल पर है, आप वहाँ से ले सकते हैं। और मैंने लिया 1 से 1.5 चम्मच अदरक लहसुन हरी मिर्चों वाला पेस्ट। इसकी भी रेसिपी, इसको किस तरह बनाकर हम फ्रीज करते हैं, मेरे चैनल पर है, वो भी आप ले सकते हैं। और मैंने लिया 1 अदद कटा हुआ टमाटर और मैंने लिया हरा धनिया 2 से 3 चम्मच और मैंने लिया 5 अदद हरी मिर्ची। ओके, बनाएं आप, माशाल्लाह बहुत ही मज़े का बनता है। हम फ्रीज कर कर रखते हैं चिकन टिक्का, लें और बना लें। ओके, अब हम इसे पहले करेंगे फ्राई। ऑयल मैंने पहले ही से गर्म होने के लिए रख दिया था, अब हम इसे एक पीस डालकर चेक करते हैं ऑयल अच्छी तरह गर्म हुआ है कि नहीं। ये देखिए ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो गया है, हमने इसमें डाल देना है जो चिकन टिक्का डालकर अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। तो फ्रोज़न है तो इसे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, तो चिकन में हम मसाला लगा के रखते हैं तो चिकन अच्छी तरह से गल जाता है। ओके, अब हम इसे फ्राई करते हैं। ये देखें चिकन टिक्का एक तरफ से फ्राई हो गया है अच्छी तरह से, अब इसे हम पलट देंगे दूसरी तरफ। पलट कर हमने इसे 5 मिनट तक फ्राई होने देना है। मसाला लगा हुआ चिकन टिक्का ये अच्छी तरह से टेंडर है। ओके, गला हुआ है, इसे हमने ज़्यादा नहीं पकाना है, मसाले में भी भूनना है हमें इसे, तो ये अच्छी तरह से गला हुआ है और गल जाएगा मसाला में भूनने से भी। ओके, इसे हमने 5 मिनट तक पकने देना है, फ्राई होने देना है ऑयल में। ओके, ये देखें चिकन टिक्का फ्राई हो गया है, इसे अब हम निकाल लेंगे और निकाल कर अब हम इसकी बनाएंगे ग्रेवी। बनाएं आप लोग घर पर, माशाल्लाह बहुत ही मज़े का बनता है। इसे निकाल कर हम इसमें दूसरे बर्तन में अब इसकी ग्रेवी बनाएंगे। ये देखिए मैंने एक दूसरा बर्तन लिया, अब इसमें हम डालेंगे ऑयल जो फ्राई किया हुआ, इसी को डाल देंगे हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थोड़ा बड़ा चमचा है ये, तो हमने इसे लेना है तकरीबन 3 से 4 चम्मच ले लेंगे हम, थोड़ा 3 से 4 चम्मच। इसी में हम डाल देंगे ये सालन मसाला पाउडर और इसी में हम डाल देंगे ये अदरक लहसुन हरी मिर्चों वाला पेस्ट। इसे डालकर हमने अच्छी तरह से भून लेना है, इसे हम भून लेंगे। इस रेसिपी सेम रेसिपी से आप चिकन टिक्का बिरयानी भी बना सकते हैं। हमने ग्रेवी तैयार की, इसमें प्याज फ्राई करके डाल दिया और बिरयानी राइस की रेसिपी मेरे चैनल पर है, आपने लिया बिरयानी राइस, साबुत गरम मसाला पुदीना हरा धनिया और हरी मिर्चें डालकर तैयार कर ली बिरयानी राइस, आपने तैयार कर लिया और इसी में आप प्याज डाल दी, प्याज डालकर ग्रेवी अच्छी तैयार कर ली और फिर तह लगा ली, चिकन टिक्का बिरयानी तैयार। ईजी, ज़िंदगी करे आसान, एक रेसिपी से हम बहुत रेसिपी बना सकते हैं। ओके, चिकन टिक्का राइस बना सकते हैं, चिकन टिक्का बटर राइस बना सकते हैं, चिकन टिक्का बिरयानी, चिकन टिक्का पुलाव। हमने इसमें डाला थोड़ा सा पानी और मैंने कहा टमाटर कटा हुआ वो भी डाल दिया है और इसे हम ढककर टमाटर गलने तक स्लो आंच पर पकने देंगे और फिर इसमें हम डालेंगे सॉल्ट नमक। ओके, ये देखें मसाले और टमाटर को पकते हुए 5 से 10 मिनट हो गए हैं, इसमें हम डालेंगे हसबे जायका सॉल्ट, आप अपने जायके के मुताबिक डाल लें। ओके, और इसे डालकर हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए टमाटर भी अच्छी तरह से गल गया है, इसे हमने अच्छी तरह से भून लेना है चला चला कर। ये देखिए चला चला कर अच्छी तरह से भून ले ताकि टमाटर अच्छी तरह से मसाले में मिक्स हो जाए। ओके, ये देखिए इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी,
पानी डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे हमने 5 मिनट के लिए और पकने के लिए छोड़ देना है। ओके, 5 मिनट तक हम इसे पकने देंगे। जब तेल छोड़ देगा मसाला, तो इसमें हम डाल देंगे चिकन टिक्का फ्राई। ओके, ये देखें मसाला पकते हुए 5 मिनट हो गया है। इसे हम थोड़ा चला लेंगे, चला कर इसमें हम डाल लेंगे ये जो 5 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं ये डाल लेंगे, और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा हरा धनिया। डालकर हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसमें हम, और इसी में हम डाल देंगे जो हमने चिकन टिक्का फ्राई किया हुआ है ये डाल देंगे, और डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ओके, ये देखें मसाले में मैंने चिकन टिक्का फ्राई डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब आप इस जैसे मसाले में डालकर मैंने मिक्स कर लिया, इस पर आप अगर मलाई डालना चाहें तो मलाई डाल सकते हैं, फ्रेश क्रीम डालना चाहे, घर की क्रीम डालना चाहे, या थोड़ा दही डालना चाहे तो डाल सकते हैं। मैंने इसे ऐसे ही बनाना है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़े का बनता है। अभी ईद की दावतें चल रही होंगी, आप उसमें बना लें, ऐसी घर के लिए बना लें, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़े का बनता है। आप इसे प्लेन राइस से खाएं, नान से खाएं, ब्रेड से खाएं, रोटी से खाएं, बहुत ही मज़े का लगता है। ओके, देखिए अच्छी तरह से मिक्स हुई। इसे हमने ढाक कर 1 से 2 मिनट या 5 मिनट दम पर देना है, और हमारा चिकन टिक्का फ्रोजन चिकन टिक्का ग्रेवी बनकर तैयार है। ओके, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह फ्रोजन चिकन टिक्का ग्रेवी बनकर तैयार है। आप लोग घर पर ज़रूर ज़रूर मेरी रेसिपी से बनाएं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें आपने मेरी रेसिपी से बनाया तो आपका मेरी रेसिपी से बनाया तो आपके घर में वो चीज़ कैसे बनी, वो रेसिपी कैसे बनी। ओके, अब हम इसे करेंगे सर्व। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह फ्रोजन चिकन टिक्का ग्रेवी बनकर तैयार है। आप लोग घर पर ज़रूर ज़रूर बनाएं, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, बेल आइकॉन की बटन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी नई रेसिपी आपको मिलती रहे। ओके, अल्लाह हाफिज़।